नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कन्या राशि वालों, दोस्तों आप सभी को बता दें कि अब आप सभी के जून काल में एक औरत के आशीर्वाद से कुछ ऐसी बड़ी घटनाएं होंगी, कुछ ऐसे बड़े चमत्कार होने वाले हैं जिनसे दोस्तों आप सभी के जीवन काल में बड़ा उलटफेर होगा। जी दोस्तों, और यह औरत अब आप सभी के जून काल में आने वाली है और आपके जून काल में जो भी परेशानियाँ हैं यह चुटकियों में खत्म कर देंगी। यूँ कहें तो दोस्तों, अब आप सभी के जून काल में एक ऐसी औरत आने वाली है जिनसे कि आपका पूरा जीवन बदलने वाले हैं ये दोस्तों। और अब इस औरत के चलते आप सभी के जून काल में आपको बड़ी बड़ी लाभ के साथ कई बड़े ऐसी कामयाबी हाथ लगेंगे, जिससे दोस्तों समाज में भी आपका मान सम्मान बढ़ेगा, घर में भी आपका जो भी परेशानियाँ हैं वह सभी खत्म होंगे। दोस्तों यूँ कहें तो इस औरत के चलते अब आप सभी के सभी बिगड़े कार्य बनेंगे, आपको हर प्रकार की इज्जत पर प्रतिष्ठा मिलने वाली है, साथ ही पेशों में भी यह बढ़ोतरी कराने वाली होंगे। जी दोस्तों, और आपको बता दें कि इस महिला के आ जाने से आपके जून काल से आपके घर से जुड़े सभी प्रकार की समस्याओं का अंत होगा, क्योंकि दोस्तों इस औरत के अंदर कुछ ऐसे ही शक्तियाँ होंगी, कुछ ऐसे ही ऊर्जा होंगी जो कि आपके अंदर कुछ ऐसे संकेत करने वाले हैं, आपके अंदर कुछ ऐसे ऊर्जा विकसित करने वाले हैं जिससे दोस्तों आपका जीवन एक अलग ही लेवल पर होगा, आपके सोचने की क्षमता में बढ़ोतरी होगी और आपको हर कार्य में काम करने में भी मन लगेगा। जी दोस्तों, आपको बता दें कि अब आपके प्रत्येक क्षेत्र में इस औरत के चलते बहुत ही बड़ा सुधार देखने को मिलेंगे। जी दोस्तों, आपको बता दें कि इस औरत की कृपा आप सभी के जीवन काल में ऐसे होंगे जिससे दोस्तों आप सभी का इतिहास ही बदल जाएगा, आने वाला भविष्य आप सभी के लिए खुशियों भरा रहने वाले हैं। जी दोस्तों, तो दोस्तों ऐसे में आपका भी दायित्व होता है कि इन सभी महत्वपूर्ण समयों का सही से सदुपयोग करें, और आपको सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि शोहरत की आप पहचान कैसे करेंगे। जी दोस्तों, तो दोस्तों आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली है, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में आप सभी महत्वपूर्ण जानकारी को जानेंगे कि अब आप सभी के जून काल में जो ग्रहों की स्थिति बनने वाली है, इनके साथ आप इस औरत को कैसे पहचान कर सकते हैं, आपके घर के माहौल में पारिजन में क्या क्या सुधार होंगे, कौन कौन से बड़े चमत्कार होने वाले हैं, तो दोस्तों अंत तक देखिएगा। उससे पहले दोस्तों, जो भी वक्त वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय माता दी लिखिएगा, गुरु जी का और अपनी माता रानी का सीधा आशीर्वाद प्राप्त करिएगा, तो मित्रों जरूर लिखिएगा। और यदि आप चैनल पर भी नए हैं तो दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर दें। तो आइए दोस्तों वीडियो को प्रारंभ करते हैं। दोस्तों यह समय आपका प्रभावशाली तथा महत्वपूर्ण लोगों के बीच कुछ समय व्यतीत करना आपके आत्मबल तथा कार्य क्षमता में और अधिक बेहतरीन वृद्धि करेगा। दोस्तों आपकी प्रभावशाली वाणी भी दूसरों के ऊपर बेहतरीन यश में छाप छोड़ने वाली है। सामाजिक क्षेत्र में आपके संपर्क का दायरा भी बढ़ेगा, जिससे आपको आगे चलकर बहुत बेहतरीन लाभ की प्राप्ति होगी। इसके उपरांत दोस्तों यश में अगर आपकी सावधानी को लेकर बात करें तो दोस्तों यश में कभी कभी ऐसा आपको प्रतीक हो सकता है कि भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है, जिनकी वजह से आपके आत्मविश्वास में थोड़ा सा कमी भी आएगी। परंतु दोस्तों मनन करें तो आपको महसूस होगा कि यह आपका सिर्फ वहम है। दोस्तों यश में थोड़ा सा अगर लाभ की बात करें तो थोड़ा सा लाभ कम हो सकता है, तो इनकी चिंता ना करें दोस्तों, भविष्य में आपको बहुत अच्छा लाभ मिलने वाला है। आपके उत्तम व्यक्तित्व तथा प्रभावशाली वाणी के प्रभाव से सामाजिक और पारिवारिक क्षेत्र में आपका यश में रुतबा बढ़ने वाला है। दोस्तों आपके कुछ महत्वपूर्ण लोगों से संपर्क भी यश में घनिष्ठ होंगे। दोस्तों तथा रिश्तेदारों के साथ मेल मिलाप से खुशी यश में आपको महसूस होने वाली है। निवेश संबंधी मामलों में ज़्यादा पैसा ना लगाएं, क्योंकि दोस्तों यश में नुकसान के आसार बने हुए हैं। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए समय होंगे, आपके दिनचर्या के लिए जो समय होंगे, दोस्तों यश में शुरुआत में ही बहुत अधिक सुखद परिणाम आपको मिलने वाला है। दोस्तों यश में आपके सभी सोचे हुए काम भी यश में शांतिपूर्ण तरीके से निपट जाएंगे, तथा दोस्तों आपका विनम्र स्वभाव लोगों में तारीफ का भी कारण बनेगा। दोस्तों आध्यात्मिक क्षेत्र के प्रति भी आपका यश में रुझान और अधिक बढ़ेगा। शादी दोस्तों, परंतु कभी कभी लापरवाही की वजह से आप बैठे बिठाए किसी मुसीबत में पड़ सकते हैं, आप पर कोई बदनामी या फिर आरोप भी लग सकता है, इसलिए दोस्तों यह समय बहुत ही समझदारी से काम लेना आपके लिए आवश्यक होगा। दोस्तों घर के वरिष्ठ व्यक्तियों की सलाह पर आप अवश्य अमल करें, ये आपके लिए फायदेमंद साबित होंगे। इसके उपरांत दोस्तों यह समय आपके लिए समय होंगे। दोस्तों आपको बता दें कि बच्चों को भविष्य को लेकर जो समय होंगे, कुछ योजनाएँ बनेंगी तथा निवेश संबंधी कार्यों में आपकी दिलचस्पी यश में होने वाली है। दोस्तों दिल के बजाय दिमाग से काम लें, हिम्मत और साहस के बल पर
असंभव कार्य भी यश में संभव करना आपके लिए आसान होगा। साथ ही दोस्तों भावुकता में आकर कोई भी निर्णय गलत हो सकता है। दोस्तों किसी नजदीकी रिश्तेदार से मामूली बात पर कहासुनी भी हो सकती है, तो दोस्तों इनसे बचें। साथ ही कोई बाहरी व्यक्ति भी आपकी भावनाओं का यश में गलत फायदा उठा सकता है। यश में अत्यधिक सचेत रहने की आपको आवश्यकता होगी। इसके उपरांत दोस्तों यश में अगर आपकी करियर को लेकर बात करें तो दोस्तों यश में कामकाज का माहौल आपके पक्ष में रहेगा। आर्थिक मामलों में व्यवसाय में किसी प्रकार का निवेश करना भविष्य को सुरक्षित रखेगा, परंतु दोस्तों अधीनस्थ कर्मचारी की गतिविधियों पर पैनी नज़र रखना आपके लिए अति आवश्यक होगा, क्योंकि दोस्तों पीठ पीछे किसी प्रकार के नुकसान होने की भी आशंका लग रही है, तो दोस्तों सावधान भी आपको रहना चाहिए यह समय। इसके उपरांत दोस्तों यह समय आपके करियर के लिए जो समय होंगे, दोस्तों अपनी ऊर्जा मार्केटिंग संबंधी कार्य तथा पेमेंट आदि कलेक्ट करने में लगाएं। आर्थिक दृष्टि से उत्तम समय बना हुआ है आपके लिए। दोस्तों आपका रुका हुआ पेशा काफ़ी हद तक वापस मिल जाएगा। किसी भी कार्य में दिक्कत आने पर जो है घर के सदस्यों की आपको मदद लेना लाभदायक रहेगा। ऑफिस के भी अधिकतर काम सुचारू रूप से निपटते जाएंगे। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके करियर के लिए जो समय होंगे, आपको बता दें कि यश में व्यवसाय में आर्थिक स्थिति बहुत ही बेहतरीन रहने वाली है। दोस्तों आपके अपने कार्य के प्रति पूरी एकाग्रता आपको नई उपलब्धियां भी यश में प्रदान करने वाली है, परंतु दोस्तों किसी भी कार्य को शुरू करने से पहले उनके बारे में आपको पूरी तरह जानकारी ले लेना अति आवश्यक होगा। ऑफिस का माहौल भी यश में शांतिपूर्ण रहेगा। बस दोस्तों सभी कार्यों की जानकारी लेना आपके लिए यश में आवश्यक होगा, तो दोस्तों इन पर जरूर ध्यान दें। दोस्तों लापरवाही यश में आप बिल्कुल ना बरतें, ये आपके लिए नुकसानदायक होंगे। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके कार्य क्षेत्र के लिए जो समय होंगे, आपके करियर के लिए जो समय होंगे, दोस्तों आपको बता दें कि पोस्टरी तथा खान पान से संबंधित व्यवसाय में बेहतरीन अनुबंध प्राप्त होंगे। अगर आप कोई नया काम शुरू करने की योजना यश में अगर बना रहे हैं, तो दोस्तों ये जो समय है आपके लिए उचित समय होगा। आपको धीरे धीरे तरक्की भी हासिल होगी। उच्च अधिकारियों का सहयोग भी यश में आपके ऊपर बना हुआ है। इसके उपरांत दोस्तों आपको बता दें यश में अगर आपकी लव लाइफ को लेकर बात करें, तो दोस्तों पति पत्नी के बीच अकारण ही कुछ मनमुटाव रह सकता है। यश में बहुत ही समझदारी से संबंधों को सुधारने की आवश्यकता होगी। दोस्तों विवाह योग्य लोगों के लिए जल्द ही विवाह संबंधी कोई उचित रिश्ता यश में आ सकता है। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लव लाइफ के लिए समय होंगे, आपके पारिवारिक जीवन के लिए जो समय होंगे, दोस्तों आपको बता दें कि पति पत्नी के बीच घर की किसी समस्या को लेकर वैचारिक मतभेद भी रहेंगे। प्रेम संबंधों में और अधिक नजदीकियाँ यशमय आने वाली है। इसके उपरांत दोस्तों यशमय आपके लव लाइफ के लिए समय होंगे। परिवार में खुशी भरा माहौल रहेगा। मेहमानों के आगमन से हंसी मजाक व फिर मनोरंजन में भी समय आपका यशमय व्यतीत होने वाला है। इसके उपरांत दोस्तों यशमय आपके लिए समय होंगे। परिवार तथा अस्थायी दोनों में ही सामंजस्य बना रहेगा। दोस्तों प्रेम संबंधों में भी यशमय नजदीकियाँ आने वाली है। तो दोस्तों इसके उपरांत दोस्तों यश में अगर आपकी स्वास्थ्य यानी सेहत को लेकर बात करें, तो दोस्तों अत्यधिक भागदौड़ की वजह से थकान आपके सिर पर हावी रह सकता है, जिनसे दोस्तों सिर दर्द की समस्या आपको हो सकती है। दोस्तों थोड़ा आपका समय होगा प्रकृति के सानिध्य में व्यतीत करें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके स्वास्थ्य के लिए जो समय होंगे, आपको बता दें कि गला खराब और फिर खांसी जुकाम जैसी समस्या भी आपको रह सकती है। यश में अपना उचित ध्यान रखना आपके स्वास्थ्य के लिए समय बेहतर होंगे। इसके उपरांत दोस्तों आपके लिए समय होंगे, गलत खान पान की वजह से गैस व फिर पेट दर्द संबंधी शिकायत भी रह सकती है। दोस्तों यश में अपना जो आहार है बहुत ही हल्का रखें, ये आपके स्वास्थ्य के लिए समय बेहतर होंगे। इसके उपरांत दोस्तों आपको बता दें यश में भूख न लगने तथा आपत जैसी शिकायत भी रह सकती है। दोस्तों दिनचर्या को सीमित रखें तथा आयुर्वेदिक चीज़ों का उपयोग करें, ये आपके स्वास्थ्य आपके हेल्थ के लिए यश में बहुत ही उत्तम साबित होंगे। दोस्तों यश में आपको कौन से महत्वपूर्ण उपायों को करना चाहिए? दोस्तों आपको बता दें अगर आपके व्यापार या फिर नौकरी में मंदी आई है, तो दोस्तों किसी साफ शीशी में सरसों का तेल भरकर उस शीशी को किसी तालाब या फिर बहती नदी में जो है जल में डाल दें और ईश्वर से अपनी सफलता के लिए प्रार्थना करें। दोस्तों आपके व्यापार या फिर नौकरी में जान आ जाएंगी और आपके सारे रुके हुए कार्य बनेंगे। यदि मार्ग में कोई सफाई कर्मचारी सफाई करता दिखाई दे, तो दोस्तों उन्हें स्नेह से चाय पानी के लिए कुछ दान अवश्य दें। इससे दोस्तों परिवार में प्रेम और सुख समृद्धि भी बढ़ती है। यदि सफाई कर्मचारी महिला हो, तो दोस्तों बहुत ही उत्तम होते हैं। तो दोस्तों इन दोनों ही उपायों को यश में आप कर सकते हैं, ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और भाग्यशाली रहने वाले हैं। और साथ ही दोस्तों हमारे ऐसे ही अधिक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर दें। धन्यवाद।